चंपा जिले में चल रहे रेत के अवैध कारोबार पर खनिज विभाग की टीम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। जिले के विभिन्न क्षेत्रों से खनिज विभाग की टीम ने रेत से भरे 22 ट्रैक्टर को जब्त किया है और विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद से खनिज माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं इस कार्रवाई के बाद खनिज विभाग के अधिकारियों ने अवैध रेत का कारोबार करने वालों को सुधर जाने की चेतावनी दी और साथ ही इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहने की बात कही। परिवहन करता है उनके पास आरटीओ से वैधानिक अनुमति प्राप्त नहीं है। अगर इस तरह की वाहन अवैध परिवहन करते हुए लगातार पकड़ा जाता है तो आगे हम आरटीओ को भी जुर्माना के लिए प्रपोजल भेजेंगे। हमारे खनिज विभाग द्वारा जो भी कार्रवाई की जाती है सब खनिज नियमों के तहत ही कार्रवाई की। तो जांजगीर से खबर आपको बता रहे हैं, अवैध रेत का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। काफी वक्त से यहाँ पर अवैध रेत का ले जाने का कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते आए दिन हादसे भी होते रहते हैं। दो ट्रैक्टरों में आपस में भिड़ंत होने से एक हादसा हुआ। और ज्यादा जानकारी के साथ वरासरता रवि गोयल फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। रवि, अवैध रेत का कारोबार धड़ल्ले से जारी है लेकिन इस बीच एक हादसा भी हुआ है, क्या अपडेट इस पर मिल पा रहा है? जी, आपको बताना चाहूंगा, अभी जो खनिज विभाग के जो अधिकारी है, अभी कई अधिकारी नए आए हुए हैं जिले में, जिसके बाद से ये सक्रिय दिख रहे हैं और लगातार जो रेत का अवैध परिवहन हो रहा है, अवैध कारोबार चल रहा है, उस पर लगातार लगाम लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने जिले के विभिन्न क्षेत्रों से छापामार कार्रवाई की है, जिसमें 22 ट्रैक्टर यहाँ इन्होंने जब्त किया है। और अधिकारियों का कहना है कि इस प्रकार जो है कार्रवाई आगे लगातार जारी रहेगी। सब कार्रवाई को देखते हुए जो रेत माफिया उसमें हड़कंप मचा हुआ है, उनके भी जो है समझ से परे हो गया कि अधिकारी इस प्रकार सक्रिय हो गए और लगातार छापामार कार्रवाई कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि इसके बाद भी आगे जो है आरटीओ विभाग से भी संपर्क किया जाएगा कि जो गाड़ियां चल रही है उनके कागजात दुरुस्त हैं। रवि, जैसा कि खनिज विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि 22 ट्रैक्टरों को जब्त किया गया है, ऐसे में क्या कोई ड्राइवर भी गिरफ्तार हुआ है, जिससे पूछताछ में इस बात का खुलासा हो पाए कि संचालक इसका कौन? जी, मैं बताना चाहूंगा, इसमें जो अधिकारी है विभाग के वो कार्रवाई तो कर देते हैं लेकिन इसमें कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाती। जो नियम है उसको उसमें संशोधन की जरूरत है, क्योंकि इसमें जो है जो खनिज विभाग का नियम है उसके हिसाब से पेनाल्टी लगाकर जो है गाड़ी को छोड़ दिया जाता है। इसलिए कहा जा सकता है जो खनिज माफिया है उनके हौसले बुलंद है, क्योंकि इसके लिए कोई तगड़ी या बड़ी कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं है छत्तीसगढ़ में। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रवि। विकास के